हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस वरुण किचन। आप सब कैसे हो? गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं और किचन में तो गर्मी इतनी ज़्यादा लगती है कि ज़्यादा देर हमें किचन में रहा ही नहीं जाता। तो इसलिए आज मैं आपके लिए वन पॉट सोया पुलाव की रेसिपी लेके आई हूँ, जो क्विक बन जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है, और पूरी फैमिली का आपका पेट भी अच्छे से फिल हो जाता है। तो चलिए बनाते हैं। तो वह सोया पुलाव बनाने के लिए सिंपल तरीके से बताएंगे, बिल्कुल बेसिक मसालों के साथ ही। तो देखिए, मैंने सबसे पहले हमने मसाला बॉक्स निकाल लिया है और तेज़पत्ता भी निकाल लिया है। तो देखिए, और मैंने कुकर में ऑयल पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया। ऑयल मैंने 2 टेबल स्पून लिया और सरसों के तेल में आज मैं सोया पुलाव बना के तैयार करूँगी। तो देखिए, एक प्याज लिया, इसको छोटा छोटा कट कर लेंगे। बहुत जल्दी जल्दी हमें सारे काम करने, क्योंकि हमें गर्मी बहुत ज़्यादा है। सिंपल नहीं बनाना है, बहुत सिंपल बनेगी और टेस्ट बिल्कुल जैसे बाज़ार में पुलाव बनता है, सोया पुलाव मिलता है, वैसे ही आएगा। देखिए, तेल गर्म हो गया, उसमें हमने जीरा डाल दिया थोड़ा सा, इसको क्रैकल होने देंगे, और तेज़पत्ता डाल दिया, एक साबुत लाल मिर्च ऐड कर दिया है, इसको हल्का सा भुनने देंगे। तुरंत ही हम इसके अंदर बारीक कटा हुआ प्याज भी ऐड कर देंगे और इसको भी अच्छे से भुनने देंगे। तो देखिए, जैसे ही ये भुन जाएगी तब हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो देखिए, सोया चंक्स को मैंने पहले ही सोक करके रख दिया था 1 घंटे पहले गर्म पानी के अंदर, उसको अच्छे से स्क्यूज़ कर दिया, उसके बाद हमने इसके अंदर डाल दिया इसको कुकर में। तो देखिए, अब इसको हम बहुत अच्छे से भूनेंगे। ऑयल के साथ जब सोया भुन जाती है ना, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और फ्लेवर भी अच्छा बन, मतलब स्वाद बहुत अच्छा आता है इसका। अब साथ ही इसमें थोड़े मसाले ऐड कर देंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा हमने काली मिर्च डाली है। काली मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से सोयाबीन के साथ अच्छे से भून लेंगे, जिससे सोयाबीन के अंदर अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और अब हम इसमें शाही बिरयानी मसाला डालेंगे, इससे सोया पुलाव का टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। तो देखिए, 1/2 चम्मच के करीब हमने इसमें शाही बिरयानी मसाला ऐड कर दिया, आप किसी भी कंपनी का डाल सकते हैं। और साथ ही हम इसके अंदर नमक भी ऐड कर देंगे स्वाद के अनुसार, और इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। जब तक मिक्स भूनेंगे इसको, जब तक ये थोड़े से मसालों की अच्छी खुशबू ना आने लग जाए, और गैस की फ्लेम को हमें स्लो ही रखना है। तो देखिए, मसाले भी अच्छे से भून चुके हैं थोड़ी ही देर में। तो देखिए, तेल अच्छे से चटकने लगा है, अच्छे से उसमें स्मूथ दिख रहा है आपको, मतलब कि मसाले बहुत अच्छे से भून चुके हैं और सोया चंक्स भी अच्छे से भून चुका है इसमें, और सारा फ्लेवर मसालों का सोया चंक्स के अंदर बहुत अच्छे से आ चुका है। तो अब हमने इसके अंदर 1/4 कप के करीब हमने इसमें दही ऐड कर दिया। दही खट्टा नहीं डालना, बिल्कुल फ्रेश दही डालना। अगर खट्टा दही डालेंगे तो खट्टी खट्टा पुलाव बन के तैयार होगा, इसलिए हमने बिल्कुल फ्रेश दही ऐड करना है, क्योंकि गर्मी आया है, दही बहुत जल्दी खट्टा हो जाता है। और जब तक कुक करेंगे, जब तक दही अच्छे से सोया चंक्स के संग अच्छे से एकदम ड्राई ना हो जाए, क्योंकि वैसे तो पानी छोड़ेगा, सोया चंक्स तुरंत ही सोख कर लेते हैं। और साथ ही हम इसके अंदर थोड़ा सा, हमने 1/2 कप हमने मटर लिए हैं और 1 गाजर लिया है जिसको हमने कट कर लिया है, वो हमने इसमें ऐड कर दिया। आप चाहो तो और भी जो आपको वेजिटेबल्स अच्छी लगती हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसको भी हम थोड़ी देर तक भून लेंगे लो फ्लेम पर। तो देखिए, ये भी बहुत अच्छे से भून चुके हैं। और देखिए, हमने 1 कप चावल लिए थे, बासमती राइस है, इसको 1 घंटे पहले धो के रख दिया था जिससे कि अच्छे से ये सोक हो जाए, वही चावल हमने इसमें ऐड कर दिया है। और साथ ही हम इसमें 1/2 चम्मच हम नमक ऐड कर देंगे, 1/2 चम्मच हमने पहले ऐड किया था और 1/2 चम्मच अब हमने ऐड कर दिया। और साथ ही इसका स्वाद बढ़ाने के लिए और टेस्ट बढ़ाने के लिए इसमें घी ऐड करेंगे। घी आखिर में डालते हैं ना तो पुलाव का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, क्योंकि घी जलता नहीं है, फ्रेश घी डलता है तो पुलाव में फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो देखिए, 2 चम्मच के करीब हमने घी ऐड कर दिया है। अब इसको चावलों के साथ बहुत अच्छे से भूनेंगे, जिससे कि राइस में अच्छा सा फ्लेवर आ जाए और पुलाव बहुत ही टेस्टी बनेगा। और जब तक भूनेंगे 2 मिनट के लिए, जब तक इसमें थोड़ी सी चावल अच्छा सा भुन ना जाए, खुशबू अच्छे से आने लग जाए। जब ये अच्छे से भुन जाएगा तब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तो देखिए, 1 कप हमने चावल लिया है और 1 कप ही हमने सोया चंक्स लिए थे, तो हम इसके अंदर 1 कप, मतलब हमने 1 कप चावल लिया तो 2 कप के करीब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, और थोड़ा सा पानी और ऐड कर देंगे क्योंकि सोया चंक्स पानी बहुत सोक करता है। तो इसमें हमने 1/4 कप एक्स्ट्रा पानी ऐड कर दिया था। 1 से 2 सीटी आने तक हम इसको कुक करेंगे। तो देखिए, कुकर हम जब बंद करेंगे, जब भी इसमें अच्छे से उबाल आ जाएगा, उसके बाद हम इसको बंद कर देंगे, बंद करके रख देंगे। और जब से 1 से 2 सीटी आ जाएंगे, उसके बाद ही हम इसको खोलेंगे, खोलेंगे तो पुलाव एकदम बहुत ही बढ़िया, एकदम खिला खिला बन के तैयार हो जाएगा।
तो देखिए हमने कुकर को बंद कर दिया है और थोड़ा सा मेरा वीडियो स्किप हो गया था। तो देखिए पुलाव बन के तैयार हो चुका है, बहुत ही बढ़िया बना है, एकदम खिला खिला बना है। देखो चावल देखिए कितना लंबा, एकदम खिला खिला है ना, और ऊपर से आप फ्राई किया हुआ आप इसमें प्याज ऐड कर दोगे ना तो पुलाव का स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो एक बार आप मेरे तरीके से बना के देखिए पुलाव, तो आपको ये पुलाव बहुत ही टेस्टी लगेगा और जल्दी बन जाएगा, क्योंकि गर्मी आए तो जल्दी जल्दी फटाफट से कुछ बना लीजिए और खा लीजिए। ओके बाय, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।